साल 2000 में बिहार दो हिस्सों में बट गया। एक नया राज्य बना था झारखंड, जहां पिछले 23 सालों में 11 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। कोई 10 दिन के लिए मुख्यमंत्री बना, एक 1.5 साल के लिए, तो कोई 2 साल के लिए। अब तक सिर्फ एक मुख्यमंत्री ने अपना 5 सालों का कार्यकाल पूरा किया है। 2 दशकों से सियासी संकट से जूझ रहा झारखंड एक बार फिर से अस्थिरता की धुरी पर खड़ा है। पिछले करीब 25 घंटों से झारखंड बिना सरकार का है। झारखंड में ना तो कोई मुख्यमंत्री है, ना ही कार्यवाहक मुख्यमंत्री, और इन सबके बीच सर्द रात में भी सियासत उबल रही है। करीब 4.25 करोड़ की आबादी वाला 23 बरस का ये वो सूबा है जो फिर से घनघोर सियासी संकट से साक्षात्कार कर रहा है। जिसका मुख्यमंत्री इस्तीफा देकर जेल की चारदीवारी में बंद है। कोई कार्यवाहक मुख्यमंत्री भी नहीं है, जिसका नया सियासी नेतृत्व राज्यपाल की मर्जी पर टंगा हुआ है। जहां कोई सरकार अस्तित्व में नहीं है, उस सत्ताहीन सूबे को लेकर लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर झारखंड इस वक्त किसके भरोसे है। वहां सरकार बनाने में देरी क्यों हो रही है? क्या चुनाव से पहले वहां राष्ट्रपति शासन लगेगा? राजनीतिक अस्थिरता की धुरी पर खड़े झारखंड को लेकर ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि 24 घंटे के अंदर दूसरी बार राज्यपाल ने सरकार बनाने के अनुरोध को टाल दिया है। सरकार बनाने का प्रार्थना पत्र लेकर जेएमएम के नए नवेले विधायक दल के नेता चंपई सोरेन अपने गठबंधन सहयोगी नेताओं के साथ महामहिम के दरबार में पहुंचे थे। चंपई सोरेन, जिन्हें विधायक दल का नेता चुना गया था, वो इस वक्त राजनिवास पहुंचे हैं और उनके साथ 4 विधायक और मौजूद हैं। राज्यपाल से जिस तरीके से चंपई सोरेन ने चिट्ठी लिखकर समय मांगा था 5:30 बजे का, ठीक उसी समय अनुसार इस वक्त चंपई सोरेन 4 विधायकों के साथ यहां पर पहुंचे हैं। 4 और विधायक जो साथ में होंगे उनका नाम है आलमगीर आलम, विनोद सिंह, प्रदीप यादव, सत्यानंद गुप्ता, अलग अलग पार्टी के 4 विधायक। एक तरह से कोशिश है कि महागठबंधन पूरी तरह से साथ है, इसलिए अलग अलग पार्टियों के तमाम विधायकों को यहां पर लाया गया है। राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए चंपई सोरेन ने बाकायदा चिट्ठी लिखी थी, समर्थक विधायकों का पूरा ब्यौरा दिया था। उसके बाद मुलाकात के लिए शाम का समय तय हुआ, मगर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सरकार बनाने के अनुरोध को फिर से 2 फरवरी तक के लिए टाल दिया। जो आदिवासी का और यहाँ का आवाज जो कैसे दबाया जाता है, ये बरसों से है, आज से नहीं है। झारखंड में हम संघर्ष और यहाँ का अस्मिता का बचाने के लिए हम संघर्ष करते हैं। गुरुजी मेरा आदर्श है। शिबू सोरेन के सबसे करीबियों में से एक चंपई सोरेन जब राज्यपाल से मिलने गए थे तो उनके साथ आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता, विनोद सिंह और प्रदीप यादव भी थे। बाकी उनके पास एक वीडियो था जिसमें सभी 43 विधायक थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यही वो दृश्य है जिसमें सोरेन को समर्थन करने वाले 43 विधायक हैं, जिसमें कतारों में सभी विधायक खड़े हैं और बीच में खड़े चंपई सोरेन मुस्कुरा रहे हैं। 25, 26, 27, 28, 29, 30। झारखंड मुक्ति मोर्चा सभी विधायकों की परेड कराने तक का दावा कर रहा है। बावजूद इसके जब राज्यपाल ने सरकार बनाने के प्रस्ताव को टाल दिया तो महागठबंधन ने 40 विधायकों को बसों से एयरपोर्ट भेज दिया। इस समय ये जो अराइवल है वहां पर सिचुएशन आप देखिए, यहां से कुछ ही देर में विधायक यहां से वापस आने वाले हैं। यहां सुरक्षा व्यवस्था जो है जबरदस्त दिखाई दे रही है, क्योंकि ये फ्लाइट चार्टर जो फ्लाइट थी वो कैंसिल हो गई और ये ऑफिशियल हो गया है। और इसके बगल में आपको एक तस्वीर में और दिखाता हूं कि जब वो यहां पर आएंगे तो उसके बाद सिचुएशन क्या है। यहां से जैसे आगे बढ़ेंगे, ये देखिए ये बस यहां पर लगी हुई है, ये बस लगा दी गई है और यहां पर भी ये फोर्सेस तैनात है, यानी कि इसी बस से इन विधायकों को फिर से सर्किट हाउस ले जाया जाएगा। चंपई सोरेन का दावा है कि उनके साथ 47 विधायक हैं, जबकि 43 विधायकों का हस्ताक्षर है। जिन 4 विधायकों ने तमाम उलटफेर से दूरी बनाई है, उनमें हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन हैं, चिमरा लिंडा और लोबिन हेमरम हैं। इसके अलावा रामदास सोरेन भी हैं। दिल्ली से रांची पहुंचने के बावजूद पार्टी नेताओं से दूर सीता सोरेन ने
फोन पर क्या कहा वो सुन लीजिए। तो आप यहाँ हैं क्यों? यहाँ सारे विधायक हैं, आप यहाँ नहीं हैं? नहीं, हम नहीं थे ना, हम तो अभी भी रांची पहुँच रहे हैं। ये जो अरेस्ट हुआ है हेमंत सोरेन का, इस पर क्या कहना है आपका? तो उस पर हमको कुछ नहीं कहना है। और आप अपनी बेटी के लिए भी कहा था आपने कि आपकी बेटी को बनाया जाए इनकी जगह नेता? राजनीति में सबको ही बन सकता है, राजनीति में घुस जाते हैं तो कोई भी बन सकता है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि ये टूट बड़ी है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे का दावा है कि सिर्फ 35 विधायक ही चंपई सोरेन के साथ हैं। हालांकि वीडियो में 43 विधायक साथ दिख रहे हैं। अब जरा समझिए कि झारखंड विधानसभा की मौजूदा स्थिति क्या है। झारखंड विधानसभा में 81 सीटें हैं, इनमें से एक सीट खाली है। बाकी 80 सीटों में से सत्ता पक्ष के साथ 47 हैं। बीजेपी गठबंधन के पास 29 सीट है, 2 निर्दलीय हैं, जबकि 1 एनसीपी सदस्य है। चंपई सोरेन का दावा है कि वो किसी भी कीमत पर बहुमत साबित कर लेंगे। फिलहाल विधायक छुट्टी मनाने जा रहे हैं। अच्छा, घूमने जा रहे हैं? जी। अच्छा, मतलब इस वक्त पे जब सियासी उठापटक चल रही है, उनको घूमने का मन कर रहा है? क्यों नहीं करेगा? आपको डर है कि भाजपा तोड़ लेगी आप लोगों को? कभी नहीं तोड़ पाएगी। कभी नहीं तोड़ पाएगी। सरकार किसकी बनेगी? चंपई सोरेन जी। सुप्रिया भट्टाचार्य महागठबंधन के विधायकों को हैदराबाद छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। हालांकि रिसॉर्ट पॉलिटिक्स को लेकर बीजेपी जेएमएम को घेर रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये रिसॉर्ट राजनीति 1982 से ही चल रही है, जिसकी ये नई कड़ी है। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हेमंत सोरेन इस्तीफा दे चुके हैं, जेल में हैं और सियासी संकट अतीब्र है। 26 घंटे पहले तो जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे वो भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे हुए हैं, इस वक्त जेल में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर 2 फरवरी को दो अदालतों पर नजर रहेगी। सुप्रीम कोर्ट उनकी गिरफ्तारी पर सुनवाई करेगा तो पीएमएलए कोर्ट में ईडी की कस्टडी पर फैसला आएगा। सीबू सोरेन का मैं बेटा हूं, संघर्ष हमारे खून में है और संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। पिता का नाम लेकर आत्मविश्वास को नया आकार देने वाले झारखंड के सबसे बड़े सियासी खानदान के नेता की ये तस्वीर तब की है जब उन्हें अदालत में लाया गया था। प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में रात बिताने के बाद भरी दोपहरी में सत्ताहीन हुए हेमंत सोरेन को अदालत में पेश किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने पीएमएलए कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री की कस्टडी मांगी। ईडी ने हेमंत सोरेन की 10 दिनों की कस्टडी मांगी। सुनवाई के बाद पीएमएलए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। 2 फरवरी को अब इस मामले में सुनवाई होगी। तब तक के लिए सोरेन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अदालती आदेश के बाद हेमंत सोरेन को होटवार जेल के अपर डिवीजन सेल में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन जब तक सोरेन अदालत के अंदर थे तब तक बाहर समर्थकों की फौज लगातार समर्थन की आवाजें लगा रही थी। कोर्ट लाया गया था ईडी के द्वारा हेमंत सोरेन को। ईडी ने 10 दिन की रिमांड की मांग की थी कि हेमंत सोरेन को 10 दिन की रिमांड दी जाए, लेकिन 10 दिन की रिमांड पर अभी भी लगातार सुनवाई चल रही थी। अब कोर्ट ने कहा कि इस पर कल सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन कल तक के लिए इनको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए, यानी कि एक दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे हेमंत सोरेन। जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि कोर्ट से निकलते हुए हेमंत सोरेन इस वक्त हाथ हिलाते हुए अभिवादन कर रहे हैं लोगों का। अदालत में पेशी से पहले इन्हीं समर्थकों के नाम हेमंत सोरेन ने एक संदेश दिया था, जिसका सारांश ये है कि वो निर्दोष हैं और उन्हें साजिश के चक्रव्यूह में फंसाने की महीन साजिश रची गई है। दिन भर हमसे पूछताछ करने के बाद, समय बिताने के बाद सुनियोजित ढंग से मुझे गिरफ्तार करने का उन लोगों ने फैसला सुनाया। मुझ पर 8.5 एकड़ जमीन का मालिक होने का इनका दावा है और भुयारी जमीन की, जो जमीन कभी बिकती ही नहीं और कहीं सबूत नहीं मिला। दिल्ली में भी इन लोगों ने छापे मारकर हमारी जो छवि खराब करने की कोशिश की और मुझे पूरा विश्वास है आज नहीं कल सत्य की विजय होगी। हेमंत सोरेन जिस आरोप में खुद को पवित्रता का पर्याय बता रहे हैं, उसकी जड़ में क्या है
वो जान लीजिए। सेना के 4.55 एकड़ मालिकाना हक वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़ा यह मामला है। ये जमीन रांची के बड़गाई इलाके में है। फर्जी नाम से सेना की जमीन की खरीद बिक्री हुई। जांच एजेंसी ने इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया। इसी कथित फर्जीवाड़े में हेमंत सोरेन पर आरोप है। यही वजह है कि बीजेपी हेमंत सोरेन के संदेश को विक्टिम कार्ड बता रही है। सादे कागज पर साइन करने करके जो है उन्होंने केवल और केवल भ्रष्टाचार किया है, केवल और केवल करप्शन किया है, और कोर्ट न्यायपालिका इन सबों का फैसला करेगी और यहाँ की पूरी ट्रांसपेरेंट न्याय व्यवस्था है, लेकिन उनका विक्टिम कार्ड नहीं चलेगा। हालांकि हेमंत सोरेन के समर्थन में न सिर्फ जेएमएम के नेता चट्टान की तरह खड़े होने का दावा कर रहे हैं, बल्कि मोदी विरोधी पार्टियों के तमाम नेता सोरेन की गिरफ्तारी को साजिश की कड़ी बताने में जुटे हैं। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करेगा, लेकिन हेमंत विश्व शर्मा हो, अजीत पवार हो, नारायण राणे हो, जिनके खिलाफ इतना ईडी सीबीआई का मामला है, उनको ये लोग टच नहीं करेगा। आज जो आदमी भारतीय जनता पार्टी से लड़ेगा उसको किसी न किसी षड्यंत्र में फंसा कर जेल में भेजा जाएगा, और अभी और कई अपोजिशन के नेताओं को इस 2024 के चुनाव से पहले जेल में भेजेंगे। जिस आरोप को एकमुश्त विपक्षी पार्टियां सियासी साजिश बताकर निराधार साबित करने में जुटी हैं, उससे जुड़े सवालों का पुलिंदा लेकर प्रवर्तन निदेशालय के अफसर 31 जनवरी की दोपहर में मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। ईडी के अफसरों ने लगातार 7 घंटे तक हेमंत सोरेन से पूछताछ की थी। हेमंत सोरेन के जवाब से प्रवर्तन निदेशालय के अफसर संतुष्ट नहीं हुए। शाम होते होते सीएम आवास में डीसी, आईजी और डीआईजी को बुलाया गया और फिर रात 8:30 बजे हेमंत सोरेन की गाड़ी राजभवन में दाखिल हुई। राजभवन पहुंचकर हेमंत सोरेन ने सबसे पहले अपना इस्तीफा दिया। वहां से बाहर निकले करीब 1.5 घंटे बाद ये खबर आई कि सत्ता से उतरते ही हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीजेपी कह रही है कि जो किया है वही पाया है। चोरी करते हैं उनको तो पता ही रहता है ना, अपने दिल से जानिए पराए दिल का हाल। उनको पता था कि जिस दिन हम फंसेंगे तो फंस जाएंगे, तो इसी कारण उनको कहते हैं सोची समझी रणनीति। चढ़ती हुई रात में रांची में हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए और दिल्ली तक सियासी खलबली मच गई। किसी ने सोशल मीडिया पर विरोध जताया, कोई टीवी के सामने आया। सुबह हुई तो जिस इंडिया अलायंस के हेमंत सोरेन हिस्सा है उसमें शामिल तमाम दलों के नेताओं ने बीजेपी की नीति और नीयत पर सवाल उठाए। पॉलिटिकल इस्तेमाल हो रहा है इंडिपेंडेंट एजेंसीज का, सारे अपोजिशन वाले ही करप्ट हैं। जितने भी ईडी जहाँ जहाँ जा रही है 90% अपोजिशन वालों की यहाँ क्यों जा रही है, उसको एक टूल बना रखा है अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए। सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडा है, दुखद है, निंदनीय है, और शायद देश देख रहा होगा कि जो जो इस सरकार के खिलाफ बोल रहा है उसको अरेस्ट किया जा रहा है, जो एक मजबूत स्तंभ बनकर निकले हैं उनको घेरा जा रहा है। मोदी विरोधी गठबंधन के नेताओं में ये फिक्र, ये बेचैनी इसलिए भी है क्योंकि हफ्ते भर के अंदर ये दूसरा झटका है। पहले बिहार में नीतीश कुमार छिटक गए, उसके बाद लालू यादव और तेजस्वी यादव से पूछताछ हुई और अब हेमंत सोरेन जेल में है। हालांकि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत में चुनौती दी गई है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जिसमें हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को पूरी तरह से अवैध बताया। इस मामले में 2 फरवरी को चीफ जस्टिस की बेंच सुनवाई करेगी। कानूनी दांव पेच के बीच एक मुख्यमंत्री को इस्तीफा दिलाकर गिरफ्तार करने पर सियासत जब अति पर है, तब विपक्ष के आरोप पर बीजेपी कुछ यूं जवाब दे रही है। आप हैं माइनिंग मिनिस्टर, आप अपनी पत्नी के नाम जमीन दे देते हैं मुख्यमंत्री, अपने नाम पर एक माइन अलॉट करा देते हैं, आप फर्जी डॉक्यूमेंट बनते हैं, हर जगह एक न एक किंग पिन है और स्कैम पर स्कैम हुए चले जा रहे हैं, तो जांच नहीं होनी चाहिए क्या? निश्चित होनी चाहिए। सियासी प्रहार और पलटवार के बीच हकीकत यह है कि जिस झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं वहां की सत्ता पर 4 साल काबिज रहने के बाद मुख्यमंत्री अभी जेल में हैं। नई सरकार की उम्मीद टकटकी पर टंगी हुई है। सरकार बनाने के प्रस्ताव को राज्यपाल लगातार टाल रहे हैं। ऐसे में ये सवाल बरकरार है कि इस वक्त आखिर झारखंड किसके भरोसे है। हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी पर जबरदस्त सियासत हो रही है। देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय एबीपी न्यूज के बजट विशेष कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने हेमंत सोरेन प्रकरण पर क्या कहा वो सुनिए जरा। तो आज बिहार में जब आज, आज, आज सरकार बनानी होती है तो सुबह सुबह नीतीश कुमार 12 बजे के आसपास दावा पेश करते हैं और शाम में 5 बजे शपथ ग्रहण हो जाता है। और पड़ोसी राज्य झारखंड के अंदर वहां पर चंपई सोरेन कह रहे हैं मेरे पास पूरा नंबर है, एमएलए को भी लेकर जा रहे हैं, उनको अंदर तक नहीं आने दिया जा रहा है। देखिए
आप यह बताइए, और मैं पूछता हूं ऐसे लोगों से जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या जो गरीबों के खून पसीने की कमाई को लूट ले, जो भ्रष्टाचार कर ले, घोटाला कर ले, और देश के या किसी राज्य के बड़े पद पर हो, तो क्या कानून उसके लिए देश का अलग होना चाहिए? अगर कानून है तो क्या वहां तक पहुंचना नहीं चाहिए? और कानून जब जा रही है तो जब ईडी जाए या कोई भी संस्था जाती है, उसे जो कानून के हिसाब से जो संस्थाएं बनी है, जिसके जिम्मे यह काम दिया है, तो वह जाए या नहीं जाए? अगर वह जाएगी तो क्या होता है? हेमंत सोरेन तो चले गए ना, मैं तो आगे का सवाल पूछ रही हूं। एनडीए की बिहार में सरकार बननी थी, इसलिए वो पट बंगी चढ़ गया होगा, उनका विषय है। झारखंड में क्यों नहीं हो रहा? नहीं नहीं, मैं तो कहा कि वहां बिहार के हित में जब प्रस्ताव आया तो हम लोगों ने स्वीकार किया, बनाया। यह है राज्यपाल, राजभवन, वहां पर क्यों? मैं यह कह रहा हूं कि आखिर कानून इस देश का सबके लिए समान होना कि नहीं चाहिए? लोग आरोप क्या लगा रहे हैं कि क्यों ईडी जा रहा है, क्यों सीबीआई जाएगा, क्यों कानून जाएगा? और मैं जवाब क्या दे रहे हैं? वही जवाब, हेमंत सोरेन पर एक्शन हो गया सर। मेरा सवाल यह है कि वो जिस तरीके का नियम बिहार के अंदर फॉलो हुआ सरकार बनाने का, वो सरकार बनाने का वही नियम झारखंड में क्यों नहीं फॉलो हो पा रहा है? मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूं कि यह स्थिति आई क्यों, उसके बाद ही किसी को कार्रवाई किसी पर हुई, और की और जो कानून के हिसाब से कार्रवाई हुई उसमें हम लोग कहां हैं? झारखंड में भी सरकार बनाने का मौका तलाश रही है बीजेपी, इसी वजह से वहां पर मौका दिया जा रहा है कि ठीक है भाई, देखा जाएगा, सरकार बनाई जाएगी। मतलब बीजेपी सोरेन जो बीजेपी कही थी कि आप मुख्यमंत्री रहते हुए इस प्रकार का आप घोटाला कर दीजिए, आप अपने नाम से सारा चीजें लॉट करा लीजिए और क्या क्या कर दीजिए, जमीन का घोटाला आपके हिसाब से। चंपई सोरेन की क्या गलती है? उनके साथ जो वो 43 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी लेकर घूम रहे हैं, उसकी क्या गलती है? उस पर तो विश्वास करना होगा ना। अरे भाई, वह विषय वहाँ का है, और वहाँ क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, वो तो समझे। यही तो आपसे पूछ रही थी, राज्य मंत्री आप हैं, इंटरनल खबर क्या है? कोई खबर नहीं है, खबर कुछ नहीं है। आप जो आरोप लगा, शासन तो नहीं लगने जा रहा है, वह क्या स्थिति, वह परिस्थिति वहाँ की है, वह वहाँ वहाँ की क्या परिस्थिति है, मैं यहाँ बैठा बैठा क्या कहूँ? और अब कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, फौरन लौटेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़।